सारे बच्चे इंडिया में हैं वो ईमेल कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। मेरे को इस वजह से कमेंट्री ना अच्छी नहीं लगती ज्यादा भाई। 20 लाख रुपए एक साल की पढ़ाई के भाई वर्थ इट नहीं है मेरे ख्याल से। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी, ये देख लो ऐसा है कुछ आज का व्यू। तो गाइज हुआ क्या यार, जब मैं घर से बाहर निकला ना तो लगा कि भाई बिल्कुल बारिश नहीं है, और इतनी धूप थी, इतनी भी नहीं मतलब धूप थी कि हाँ भाई गरम गरम महसूस हो रहा था। तो अब मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचा भाई, क्या पता लगता है इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है भाई। ओ भाई देखो अभी आपके सामने कितनी तेज़ हो गई स्टार्ट, ये बंदा भागने लग गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई स्टूडेंट सेंटर, मेरे को कुछ काम है यूनिवर्सिटी में। एक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ना यार क्या बताऊँ, बहुत डीले करती है यार सब चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा। तो देखते हैं क्या होता है, अभी मैं अंदर जाता हूँ फिर थोड़ा व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपनी इंजीनियरिंग बिल्डिंग के अंदर, कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का। तो ऐसे ही मैं यूनिवर्सिटी में बात करने आया अपने कोर्स डायरेक्टर से, अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि भाई मेरे को एग्ज़ाम ऑनलाइन देने हैं ऑफलाइन देने हैं, पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो एक ही असाइनमेंट रहती है वैसे मेरी ऑनलाइन सबमिट वाली, और एग्ज़ाम्स है मेरे फेस टू फेस। तो फेस टू फेस वाले मेरे को एग्ज़ाम्स पूछने थे अपने कोर्स डायरेक्टर से, तो वो अभी मैंने उनको मैसेज किया है, तो अभी वो आ रहे हैं, पता नहीं नहीं आ रहे, वो भी रिप्लाई बैक करेंगे। तो बाकी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, बहुत ठंड हो रही है यार बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड, और मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है कि अभी ना वो हो रही थी धूप, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इतनी तेज़ बारिश होने लग गई एकदम से भाई। तो क्या ही करें, यूके का वेदर है ऐसा ही होता है। बाकी थोड़ी देर में मिलता हूँ ज़रा अपने कोर्स डायरेक्टर से मिलने के बाद आपसे। तो गाइस अभी मेरे टीचर ने बोला है कि भाई ये वाली क्लास में वेट करो, ECG 12 है ये। तो गाइस अब मैं बैठ चुका हूँ, क्योंकि अभी मेरे कोर्स डायरेक्टर जो है बहुत अच्छा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अभी मैं उनके साथ आया हूँ अपनी फैकल्टी रजिस्ट्री के पास, वो मेरे को कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो मतलब यार मेरे बहुत अच्छे कोर्स डायरेक्टर हैं, बट ये ना यूनिवर्सिटी थोड़ी ना ऐसी सी है, बहुत डीले करती है बहुत ज़्यादा, कभी रिज़ल्ट में, कभी वीज़ा में, कभी किसी चीज़ में। और मैं इनको इतने टाइम से ईमेल कर रहा हूँ, ईमेल पे ईमेल, भाई मेरी हेल्प करो, ये करो वो करो, कोई रिप्लाई नहीं। बेचारे बच्चे इंडिया में हैं वो ईमेल कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है। अब होता क्या भाई, मैं तो चलो कोवेंट्री में हूँ, मैं तो भाई, तो गाइज अभी मैं हूँ कोवेंट्री सिटी सेंटर, यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, बहुत तेज़ कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही। तो सिस्टम क्या है इधर दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ मेला वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, देख लो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, यहाँ पे ये हो रही है, प्लस ये फैंटम ये सब भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे सिटी सेंटर में, ये कोवेंट्री का सिटी सेंटर है। कुछ मशीनें इन्होंने ढक भी दी हैं क्योंकि बारिश हो रही है, जैसे वो बंजी जंपिंग वाली टाइप होती है ना जो बच्चे करते हैं यार, ये वाली इन्होंने ढक दिया, और ये वाली मशीन भी देखा ऐसा कर दिया, कुछ ही खुले हुए हैं बस, ये भी शायद बंद हो गए हैं, अब देख लो बंद कर दिया इन्होंने, मे बी बिकॉज ऑफ रेन। तो अब क्या करते हैं हम, तो अब क्या करता हूँ मैं, देखते हैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत और सिटी सेंटर घूमता हूँ और आपको अपडेट देता रहता हूँ भाई क्या होता है कोवेंट्री में। बाकी यार यूनिवर्सिटी वाले ना कोवेंट्री वाले इतने भी बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, मेरी उन्होंने हेल्प करी, बट यार ये ना रिस्पॉन्स नहीं देते यार। जैसे यार अभी देखो, मैं आपको मेरी बात वो बीच में रह गई थी, जैसे भाई मैं अभी यूके में हूँ, मैं तो भाई अपना चलो भाई स्टूडेंट सेंटर वगैरह चला जाता हूँ वीज़ा टीम से बात करने, या कहीं पे भी मैं भाई चला जाता हूँ, बट जो बंदे बेचारे इंडिया में हैं वो क्या करते होंगे यार, वो तो बेचारों को यार प्रॉब्लम होती है ना यार। तो इस वजह से यार मेरे को इस वजह से कोवेंट्री ना अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। तो भाई इससे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, क्या पता मैं थर्ड ईयर में भाई दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कोवेंट्री सिटी सेंटर, वो तो आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, एक अपने इंडिया में शॉप होती है जैसे स्वीट कॉर्न वाली ना, ऐसी ये है जो कप में स्वीट कॉर्न देते हैं, जो ये वाले होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं यार मेरे को, मैं इंडिया में खाया करता था ये। तो ये देखो यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम है, और पता नहीं कितने का है, अभी मैं बताता हूँ आपको कितने का है।
एप्पल पे वगैरह ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे चलता है, बट रेट वो रेट लिखा है रेगुलर 220 का, लार्ज 280 का है ये लिखा हुआ है रेट, देख लो। अभी ये लेता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ कैसा लगा टेस्ट। बहुत अच्छा होता है वैसे, मैं यहाँ पे यूके में आके फर्स्ट टाइम ऐसे खा रहा हूँ, इंडिया में ही खाता था। तो गाइस कैसे आप सब, फाइनली मैं अपने घर आ गया हूँ और मैं घर पे वो बना रहा हूँ अपने छोले आलू और शिमला मिर्च मिक्स करके मैंने बनाई है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ये मैंने उत्तरी बटगरा में ये राइस बना रहे हैं, बन रहे हैं। इसके अंदर बस डालने होते हैं, पता है जब ये बन जाते हैं ना ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है, ये अभी कोल्ड पे है मतलब ये अभी बन रहे हैं मतलब, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा और इसके अंदर ये मैं बना रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, ये मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया क्योंकि नीचे रखूँगा ना फिर गंदी लगती है। तो इसके अंदर मैंने डाले आलू छोले और शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज जो भी होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है सीन यहाँ पे, और चावल के साथ खाऊंगा क्योंकि रोटी बनाने का यार आज मन नहीं कर रहा, बहुत टाइम लगता है रोटी बनाने में, तो ये दो दिन निकल जाएगी मेरे सब्जी जो है ना, यही क्या दो दिन तो चली जाएगी ये। बाकी घर में जो हाउसमेट्स हैं वो भी खा लेंगे सब, मैंने थोड़ी ज़्यादा बना दिया, सिर्फ एक ही आलू काटा था मैंने इतना बड़ा, बट पता नहीं इतना बड़ा कैसे मतलब इतने ज़्यादा कैसे बन गए, बट मैंने कहा कोई नहीं। और राइस तो ओके ओके बने, इतने ओके हैं बाकी बस। और मैं आपको दिखाऊं मैंने फ्रिज में क्या रखा हुआ है अपने, ये देखो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। ये मैं कभी कभी चॉप्ड टमाटोज ले आता हूँ, ठीक है, कभी अगर मेरे को यूज़ करने हो ये वाले कर लेता हूँ मैं, कैन वाले जो होते हैं चॉप टमाटोज, अदरवाइज मैं नॉर्मल टमाटोज भी ले आता हूँ, इसके अंदर रख देता हूँ। ये है मेरी दही ग्रीक स्टाइल वाली, मैं यही यूज़ करता हूँ। और ये मैं स्प्राइट ले आता हूँ, और ये पनीर है दो पैकेट पड़े हुए हैं, गाजर है बस, और ये दूसरे लोगों का सामान है नीचे, ये भी अलग लोगों का सामान है। ये मेरा है, दो शिमला मिर्च पड़ी हैं, ग्रीन चिलीज है, कोरिएंडर है, बस अपना कुछ ऐसा ही सिस्टम है। बस गाइस बनाते हैं। तो गाइस देखो आज यूनिवर्सिटी में पता है मेरा क्या सीन हुआ, मतलब यार यूनिवर्सिटी में आपको फिर बोलूँगा यार, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ना मेरे को इतनी ज़्यादा वो नहीं लगी यार कि हाँ भाई कुछ बात है, जैसा कि पहले था यार कोवेंट्री में। पता है क्या हुआ यार, देखो मेरी फ़ीस भी 16,400 थी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की इन्होंने मेरी फ़ीस पता कितनी कर दी, सीधा 1,500 pounds बढ़ा के 18,000 कर दी। और ये अब थर्ड ईयर की पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 19,000 या 20,000, मतलब भाई 2,000,000 rupees एक साल की पढ़ाई के भाई वर्थ इट नहीं है मेरे ख्याल से। इससे अच्छा भाई कोई BPP यूनिवर्सिटी में चले जाओ, बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, बर्मिंगम कॉलेज जो भी है, वेस्ट लंदन है भाई अपनी यूनिवर्सिटी, अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज है भाई, शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी है। तो भाई मेरे ख्याल से यार वो यूनिवर्सिटी ना सारी टाइम टू टाइम रिप्लाई भी देती हैं, प्लस भाई कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ना मतलब करती है यार कोवेंट्री यूनिवर्सिटी भी, बट बहुत बहुत डीले करती है यार, प्लस फीस उस हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है, 500-600 इसकी रैंकिंग है, इतनी ज़्यादा इसकी रैंक मतलब फीस है। एनीवेज गाइस कुछ ऐसे ही बताना था। ये देखो ये मैंने बर्तन सेट करने वाला भी अपना मंगा रखा है। तो बस कुछ ऐसा ही है गाइस, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा मेरा आज का, डेली यार मेरा ऐसे ही रूटीन होता है, देखो यूनिवर्सिटी गया, कोर्स डायरेक्टर वगैरह से बात करी, नहीं तो भाई कभी बाहर चला गया, इधर उधर उल्टा सीधा खाने, कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे, तो बाय बाय, टेक केयर।